Hi guys, welcome back to my channel. If you're new, my name is Vinish Khan. So in today's video, I'm going to do everyday glam makeup look. So बहुत सारी लड़कियों ने मेरे से request की थी Instagram पे कि आप YouTube पे एक glam makeup look करें जो कि everyday हम लोग कर सकें. So if you guys want to know कि किस तरह से glam makeup look की जाती है तो keep on watching. लेकिन उससे पहले मेरे channel को आप लोग subscribe कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया और ring bell button को भी press कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को notification मिलती रहे कि मैंने video को upload कर दिया. So अब हम लोग video को start करते हैं. Let's get started. So guys, I already moisturized my face with Nivea baby skin moisturizer. You can use any moisturizer you have. I'm gonna use this Halo Glow Liquid Filter by Elf. मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी high points पे apply करूंगी and I'm gonna blend it out. This Maybelline Fit Me Matte Poreless Primer और इसको मैं अपने सिर्फ और सिर्फ pore areas में ही apply करूंगी क्योंकि इट्स अ मैटिफाइंग प्राइमर सो आई डोंट वॉन्ट टू लुक मैट. माय फाउंडेशन आज मैं यूज कर रही हूँ फिजिशियन फॉर्मूला का ऑर्गेनिक वेयर सिल्क फाउंडेशन. इस फाउंडेशन को मैंने पहले ट्राई किया है एक दफा और इससे पहले मैंने इसको ट्राई नहीं किया तो इसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि डिटेल क्या है इसकी कि ये कैसा फाउंडेशन है और किस स्किन के लिए ये बेस्ट है. आफ्टर अप्लाइंग दिस सीरम फाउंडेशन आई मस्ट से माय स्किन लुक्स सो गुड एंड इट्स लुक्स लाइक अ बेबी स्किन और बहुत ही अच्छी स्किन लग रही है मेरी फ्रेश लग रही है एंड या ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर कि दिस इज नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन सीरम इट्स अ लाइक शीयर कवरेज फाउंडेशन. यू कैन बिल्ड इट अप बट इट्स अ शीयर फाउंडेशन. फॉर माई अंडर आईज आई एम गोना यूज एज रिवाइंड कंसीलर बाय मेबेलिन. फॉर हाईलाइटिंग मैं यूज करी हूँ एल्फ कॉस्मेटिक का कंसीलर. नेक्स्ट टू कवर माई डार्कनेस आई एम गोना यूज परफेक्ट कवर लिक्विड कंसीलर फ्रॉम फ्लोरमार और दिस इज इन शेड आई थिंक 03. सो आई एम गोना सेट माई फाउंडेशन और इसके लिए आई एम गोना यूज मियो का आई फील मेंट. कौन है ये? ओके अब जो है मैं यूज कर रही हूँ मिस रोज की फेस पैलेट और ये जो है 01 है इसका नेम. हाँ इसका शेड जो है वो 01 है और ये कुछ इस तरह की दिखती है. इसमें आप लोगों को मिलेंगे हाइलाइटर मिलेगा 2 आई शेडोज मिलेंगे 2 ब्लश ऑन मिलेंगे और सॉरी 3 आई शेडोज मिलेंगे और एक ब्रॉन्जर मिलेगा. अभी जो है मैं यूज कर रही हूँ इसमें से ब्रॉन्जर शेड फॉर माई आईलिड और आई एम गोना लेट मी ज़ूम यू इन. मैं ये फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और इसकी हेल्प से जो है मैं इसको अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ शेडो को और इन सर्कुलर मोशन आई एम गोना अप्लाई दिस आई शेडो और जो भी ब्रश पे बच जाएगा उसको मैं बाकी स्प्रेड कर दूंगी आईलिड पे.
बहुत ही इजी आई लुक है ये और कोई भी इसको कर सकता है। अगर इफ यू आर बिगनर आप भी कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट आई एम गोना यूज ब्राउन आई शेडो और स्मॉल ब्रश ले रही हूँ मैं और इसको जस्ट मैं यूं अप्लाई कर रही हूँ। इट्स लाइक अ कॉफी ब्राउन आई शेडो, यू गाइस कैन सी। नेक्स्ट आई एम गोइंग बैक इन ब्रॉन्जर और इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूंगी। यूज करी हूँ ये वाला इस तरह का ब्रश, इट्स लाइक अ डिफाइनर ब्रश और सेम जो मैंने यहाँ पर आई शेडो लगाया था डार्क ब्राउन उसमें मैं डिपिन कर रही हूँ और यहाँ अपनी आउटर सॉरी लैश लाइन में अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन माई ब्राउज, मैं यूज करी हूँ ब्यूटी फाइबर आमना की 24K गोल्ड एंड रोजेस पेंसिल और इसकी जो शेड है वो है सॉरी डीप ब्राउन। Next, I'm gonna highlight my brow bones. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज लैशेज और लैशेज के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटिफुल किस आई लैश 3 का पेयर है ये और ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा कहीं से भी और आई एम गोइंग टू यूज दिस स्टाइल। लैशेज आर ऑन और अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ एसेंस लैश प्रिंसेस मस्कारा और इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूंगी वाइट पेंसिल फ्रॉम फ्लोरमार। यूज मिस रोज का ये ब्राउजर और इसको मैं अप्लाई करूंगी। ओके, नाउ आई एम गोना यूज दिस ब्लश ऑन। ओके, इसको अप्लाई करने के लिए मैं एंगल ब्रश यूज कर रही हूं क्योंकि इससे जो है एप्लीकेशन राइट प्लेस पे होती है। थोड़ा सा ब्लश ऑन मैं अपनी नोज पे अप्लाई कर रही हूं क्योंकि मुझे यहां पर ब्लश ऑन बहुत अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट आई एम गोना यूज एल्फ बेक्ड हाइलाइटर। Amazing. You guys can see the glow.
ओके नेक्स्ट आई एम गोना यूज येलो पाउडर और इसको मैं अप्लाई कर रही हूं अपने इस एरिया में टू हाईलाइट. नाउ फॉर माय लिप्स मैं यूज कर रही हूं एसेंस कॉस्मेटिक की स्टे 8 आवर मैट लिक्विड लिपस्टिक एंड शेड. वेयर इज द शेड? यस, हेलो सनराइज. Okay, this is a very pretty nude kind of shade. Wow. About the foundation, ये foundation जो है dry skin वाले definitely use कर सकते हैं. Oily skin वाले ज़्यादा देर तक इस foundation को use नहीं कर सकते. और honestly, foundation looks good on my skin tone. और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरी skin पे ये foundation. और ड्राई स्किन वाले ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वाले जो हैं 1 to 2 आवर्स के से ज़्यादा इस फाउंडेशन को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ऑयल छोड़ देता है. ऑब्वियसली इसमें जोजोबा ऑयल है, सो ये जो है ऑयली स्किन वालों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो ज़्यादा देर तक इसको अप्लाई करें. अगर आप लोग 1 to 2 आवर के लिए किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को पाउडर करना पड़ेगा, जो कि आप लोग कर सकते हो, लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए ये फाउंडेशन बेस्ट है. सो मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगा. ओके गाइज, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. होप यू गाइज लाइक द मेकअप, होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर कर देना है और आप लोगों ने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, लव यू.